इस मॉड्यूल uh, में वील बी डिस्कसिंग हीट गेन एंड लॉसेस इन एनिमल्स और ये वही थर्मो रेगुलेशन है इनफैक्ट कि किस तरह एनिमल्स हीट गेन करते हैं और लूज करते हैं इन द एनवायरनमेंट और अपने आप को कंफर्टेबल बनाते सो द एनिमल्स दे प्रोड्यूस हीट दे प्रोड्यूस हीट एज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ मेटेबलिज्म और जब मेटाबलिज्म होता है तो इस दौरान ए प्रोडक्शन होती है और और कुछ दैट इट इीस दैट इज इट हीट अप हीटअप टेम्परेचर गेन करने में भी इस्तेमाल होती है तो सो द टोटल बॉडी टेम्परेचर इज द रिजल्ट ऑफ एन इंट्रैक्शन ऑफ दीज फैक्टर्स एंड कैन बी एक्सप्रेस्ड एज दिस दैट इज बॉडी टेम्परेचर क्या है तो बॉडी टेम्परेचर इस मैथमेटिकली इसको हम यूं कह सकते हैं कि बॉडी टेम्परेचर इज इक्वल टू हीट प्रोड्यूस्ड मेटाबोलिकली प्लस हीट गेन्ड फ्रॉम द एनवायरनमेंट हीट गेन फ्रॉम द एनवायरनमेंट और माइनस हीट लॉस्ट टू द एनवायरनमेंट ये जो आ, इसका जो प्रोडक्ट होगा दैट वुड बी इन्फेक्ट द बॉडी टेम्परेचर So body temperature is equal to heat produced metabolically plus heat gained from the environment minus heat lost to the environment. So animals use uh, four physical processes to exchange heat with the environment. conduction, convection radiation, or evaporation. Or EHR process diagram. So this is conduction. ये कंडक्शन हो रही है कन्वेक्शन वेल दिस इज कन्वेक्शन जो कि एनवायरमेंट के case, अभी हम डिटेल में देखते हैं कि ये चार प्रोसेस क्या हैं फिर उसके बाद रेडिएशन है जो कि सन से आ रही है और यहाँ से रेडिएशन बाहर भी जा रही है और उसके बाद फिर रेडिएशन से हीट जा रही है और इसके बाद है जो कि आमतौर पे माउथ से या स्किन से हो सकती है कंडक्शन इज द डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ हीट From the environment to the body and back from the body to the environment. Any animal jab uh, when sits on some uh, hot object, to a high temperature say uh, low body temperature mein move heat. Or e vice versa. If we are in a cold condition, or cold, kisi rock. So our temperature that will move from, from the body to the rock. So this is what is called as conduction. So this transfer is always from uh, the area of high temperature to the area of uh, low temperature. Then, for example, when we sit on the cold ground, we lose heat, and when we sit on warm sand, we gain heat. So this is conduction. Next is uh, the convection. So the convection is the movement of air, uh, Kikwa animal or, or yahaze. हवा से या एन्वायरमेंट से जो हीट आएगी या बाहर जाएगी तो वो कन्वेक्शन कहलाती है सो दिस इज द मूवमेंट ऑफ एयर और लिक्विड लिक्विड तब जब एनिमल व्हेन इट इज एक्वाटिक एनिमल ओवर द सरफेस इज द बॉडी इट कंट्रीब्यूट्स टू हीट लॉस इफ द एयर इज कूलर अगर ठंडी हवा चल रही है तो जाहिर है एनिमल इट विल लूज हीट और अगर बहुत ही गर्म हवा चल रही है तो वो Uh, it will, uh, it will uh, um, absorb heat. So animal will absorb heat. Now on a cool day, our body loses heat by convection because our skin temperature is higher than the surrounding air temperature. Then there is uh, another movement which is called as radiation. Is the is the emission of electromagnetic waves that the sun or an object produce. तो ये अगर जैसे पोलर रीजन के अंदर या बहुत सख्त सर्दी वहाँ पे माइनस थर्टी फाइव माइनस फोर्टी तक चला जाता है तो ये पेंगुइन्स डे मे के ग्रुप और एक तो ये फिर ये हीट फिर वो एक दूसरे को गेन गेन होती है कहीं पे लूज़ होती है अगर इन, इनर जो है इनर जो क्लस्टर बन जाएगा तो वो अपनी हीट दूसरे एनिमल्स को दूसरे अपने कंपेनियन Uh, penguins ko radiate karega. So an object may, uh, uh, may be another animal, ya environment ho sakta hai, ya animal ho sakta hai, ki penguin ki example thi. Now radiation can transfer heat between objects that are not in direct contact with each other, as happens when the animal that is uh, suns itself. Now next is evaporation. इवेपोरेशन ev से भी हीट लूज uh, की जाती है और ये एनिमल्स लूज करते हैं जैसे डॉग है वो पेंटिंग करता है मुंह खोलता है और वो फिर वहां से हीट लूज uh, होती है तो एवेपोरेशन इज द इज द इज द लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द सरफेस ऑफ एन एनिमल और ये स्वेटिंग का प्रोसेस जो है इसमें भी मकसद यही होता है कि हीट लूज की जाए इट इज यूजफुल ओनली टू ट्रस्टोरियल एनिमल्स फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन एंड एंड सम अदर एनिमल्स जैसे चम्पेजीज हैं हॉर्सेस हैं दे प्रोड दे प्रोड्यूस स्वेट और ये स्वेट लैंडस होती हैं उनके अंदर देट एक्टिवली मूव वाटरी दैट इज सोल्यूशन थ्रू पोर्स टू द स्किन सर्फिस तो ये जो स्वेट है इट पोर्स आउट इट मूवज आउट और वो जब इवेपोरेट करता है तो हीट इज गेंड फ्राम द स्किन और वो हीट वो जो स्किन है वो ठंडी हो जाती है इस तरह एनिमल लूज करता है हीट नाउ व्हेन स्किन टेम्परेचर इज हाई वाटर एट द सरफेस एब्सॉर्ब इनफ दैट इज थर्मल एनर्जी हीट टू ब्रेक द हाइड्रोजन दैट इज बॉन्ड्स ये वाटर के बॉन्ड्स जो है असल में ये वाटर जो मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे के साथ दे आर एडहीय टूगेदर और जब हीट गेन करता है फ्रॉम दी फ्रॉम बिलो तो ये बॉन्ड्स जो हैं दे ब्रेकअप और वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं दे गेट फ्री और जो ही ये फ्री होते हैं तो पिछली सरफेस वो कूल cool हो जाती है ठंडी हो जाती है और यही स्वेटिंग का इनफैक्ट मकसद है और हीट uh, को लूज़ करने मकसद होता है ये स्वेटिंग से तो दिस इज़ ऑल अबाउट कि किस तरह एनिमल्स हीट गेन करते हैं या हीट लॉस लूज़ करते हैं और ये दिस इज अगेन दिस इज़ थर्मोरेगुलेशन और ये हिस्सा है किसका थर्मो एड uh, ये home, fact, ये इनफैक्ट ये होम्योस्टास ही है ये जिसकी हम ये टॉपिक्स मुख्तु पढ़ रहे हैं सो दिस इज़ ऑल अबाउट हीट गेन एंड एंड हीट लॉस इन एनिमल्स सो दिस इज़ ऑल अबाउट